आईएसआई एजेंट राशिद ने किया है पाकिस्तान की काली करतूत का पर्दाफाश। तो आपको बता दें कि पर्दाफाश में ये चीजें सामने आई हैं कि भारत से गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए पीएके के नए हथकंडे 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है। राशिद ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी की जाती थी। तो भारत से गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए पीएके के नए हथकंडे अपनाने की बातें सामने आ रही है। भारत से गोपनीय सूचनाएं हासिल करने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे अपनाता रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें, आईएसआई एजेंट राशिद ने पाकिस्तान की काली करतूत का पर्दाफाश किया है। अब ये भारतीय मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रहा है और चंदौली से पकड़े गए राशिद ने इसका खुलासा कर दिया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर राशिद ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एक अधिकारी ने उसमें 2 भारतीय सिम कार्ड लेने के लिए भी कहा था। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हनी ट्रैप का पीएके कनेक्शन क्या कुछ है। 3 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर राशिद ने कई बड़े खुलासे किए हैं जिसमें सिम कार्ड को लेकर भी बातें सामने आई है। राशिद ने अपने मोहल्ले के ही 2 लड़की की आईडी लेकर सिम कार्ड लिया था। बड़ी खबर आपको बता दें, सिम कार्ड की भी बात सामने आई है जहां राशिद ने अपने ही मोहल्ले की 2 लड़कों की आईडी लेकर सिम कार्ड लिया था और आसिम को इसकी जानकारी दी थी। आसिम ने सिम कार्ड को लेकर ये बातें सामने रखी थी। वहीं पाकिस्तान में बैठे एसआई के एक अधिकारी के कहने पर लिए थे सिम कार्ड। सूत्र के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। एसआई के अधिकारी आसिम ने राशिद से 2 भारतीय सिम कार्ड लेने को कहा था। आसिम ने राशिद से ओटीपी लेकर दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप एक्टिवेट भी किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें, यही नंबर भारत का ही था और उस पर व्हाट्सएप पाकिस्तान से संचालित हो रहा था। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को फंसाने के लिए नंबर के प्रोफाइल फोटो पर लड़कियों की फोटो लगाई जाती थी और इन्हीं नंबरों के जरिए भारतीयों को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश भी की जाती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा खुलासा हुआ है हनी ट्रैप का, पीएके कनेक्शन क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए पूजा, जब से ही राशिद अहमद को वाराणसी से एटीएस ने गिरफ्तार किया है तब से ही लगातार राशिद अहमद बड़े खुलासे कर रहा है, जिसमें सबसे पहले खुलासा उसने ये किया था कि लगातार वो सेना के कैंपों की फोटोज भेजा करता था अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को। उसके बाद अब 3 दिन की रिमांड ली गई थी और 3 दिन की रिमांड के बाद जो उसने खुलासे किए वो सच में काफी चौंकाने वाले हैं, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा यही है कि उसने अपने ही मोहल्ले के 2 लड़कों का आईडी ली, इसमें सिम खरीदता है, सिम से वो ओटीपी जनरेट कराता है पाकिस्तान में बैठे आकाओं को, पाकिस्तान के बैठे आका व्हाट्सएप अपना एक्टिवेट करते हैं भारत के नंबर से, यानी कि पाकिस्तान से चला आ रहा है पूरा हनी ट्रैप का पूरा खेल जो है। यहाँ के जो सेना के अधिकारी हैं, जो सैनिक हैं, बाकी जो लोग हैं उनको हनी ट्रैप के माध्यम से फंसाकर उनसे जो यहाँ की गोपनीय सूचनाएं हैं वो निकलवाना, यानी कि बहुत लंबा रैकेट चल रहा था। आईएसआई के एजेंट लगातार खुलासे पे खुलासे कर रहा है, माना जा रहा है कि आगे भी कई खुलासे कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने एक ही खुलासा किया है कि अजमेर की दरगाह की भी कुछ तस्वीर उसने अपने पाकिस्तान में बैठे आकाओं को भेजी थी, यानी कि अजमेर में भी कोई बड़ी साजिश रचने की उस तरह था पाकिस्तान और साथ में आईएसआई एजेंट, यानी कि कई ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं राशिद जी। गगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पर इस खबर पे जानकारी के लिए हमारे साथ प्रफुल बख्शी जी भी फोन लाइन पे बने हुए हैं। प्रफुल जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका R9 टीवी में। तो जिस तरीके से बातें सामने आ रही है, तो किस मतलब क्या कहा जाए, क्या हथकंडे अपनाते हैं हनी ट्रैप के मामले में कि सिम कार्ड लिया मंगवाया जाता है और लड़कियों की प्रोफाइल लगाई जाती है व्हाट्सएप पे, ये नया जो हथकंडा है इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत पुराना हथकंडा है जी, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से छोड़ो, ये बहुत सालों से सदियों से चला आ रहा है। यहाँ पे भी आपको फौज के आदमियों के ऊपर उनकी निगरानी करनी है, उनके माइंड पे असर करना है या किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकालना है, तो सुंदर स्त्रियों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हमारे पुराणों में, हमारे जो पुरानी संस्कृति किताबों में विष कन्याओं का वर्णन है, ये जो हैं
ये एक आदमी के जो मिलिट्री कमांडर होता है उनके माइंड पे हावी हो जाती हैं और उनके साथ निकटतम व्यवहार के साथ दोस्ती बढ़ाती हैं, तो इससे क्या होता है सारी की सारी जो आपकी जो चीजें मिलिट्री मैटर्स वगैरह सब निकलवा लेती हैं जो काम की चीजें होती हैं। ये जो मॉडर्न तरीके में इनका इस्तेमाल और भी आसान हो गया है, अब तो व्हाट्सएप आ गया है इत्यादि, तो इससे कोई देश कोई नहीं, हमारे कई देश हैं सारे दुनिया के, उन सब में ये कार्यक्रम चल रहा है और सबसे ज्यादा एस्पियोनाज में उस स्त्रियों का इस्तेमाल हो रहा है और ये करते हैं। और ये पुराना बहुत इसको जिसको हनी ट्रैप बोलते हैं आप, ये हनी ट्रैप ये इसके ऊपर कई गवर्नमेंट्स ने कई कंट्रीज की गवर्नमेंट ने बहुत सारे वो संविधान लगाए हैं और बहुत सारे उन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं, तरीके लगाए हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पर फिर भी इसका असर ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि ये जो नेचर है ह्यूमन नेचर अट्रैक्शन ऑफ वुमेन मैन एंड वुमेन जो होता है उसका ये फायदा उठा के ये कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे को भारत को भी चाइना को भी रशिया को भी हर एक कंट्री को इससे प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल, माना ये जाए बख्शी साहब, ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर है ये। जी माना ये जाए बख्शी साहब की किस तरह से डिजिटल का कनेक्शन करके लोगों को परेशान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।